छाड़ो। कैसी है? अच्छा चल। सारा परिवार एक नंबर का झूठा है। मेरे छोरे को फांस लिया और बांध दिया इसके संग। एक बात कान खोल के सुन ले, ये इस घर की बिंदड़ी ना है। ले जाओ इसे अपने साथ अपने वापस अपने घर। बुलबुल को गलती से भी इस घर में मारे से सबकी नाराजगी के बारे में पता नहीं चल सकता। मारी गुड़ की ढेली को कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं, उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। माँ माँ चलो चलो। अरे पर खाना। गीता आंटी, आप यहाँ? वो भी पीछे के दरवाजे से। एक सेकेंड, आज भाभी की पहली रसोई है। हाँ। इसका मतलब भाभी को खाना बनाना नहीं आता। न, तो आप इनकी हेल्प करने आए? अरे वाह, इसका मतलब आज घर के स्वाद वाला खाना मिलेगा। आपको गट्टे की सब्जी बनानी आती है? विशेष भाई और पापा को गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। वो खाते ही ना भाभी को बहू मान लेंगे। मान लेंगे मतलब? हाँ, हाँ, मान लेंगे। बोलेंगे वाह बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ। भाते भी अच्छी बना लेती है और खाना भी, खाने को अपना लेंगे, है ना वायु भैया? हाँ। ऐसे मान लेंगे मतलब कि कितनी अच्छी बहू मिली। अब बातें बहुत हो गई, काम बहुत है ना, चलें अंदर। बुलबुल जाकर तैयार हो करा। भाभी आप जाओ, मैं इनको लेके जाता हूँ। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाच धागा। खटर पटर जिंदगी ने राग है सुनाया, बटन खुले काज से तो बक्सुआ लगाया। किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई धागा, सुई सीधी खड़ी नाचे धागा। आज भी मेरी रूह मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। लाती
दृष्टि, ये कुछ कपड़े और तुम्हारी जरूरी चीजें। इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेती। राणा भैया ने ये खुद खरीदा, आपकी पसंद को ध्यान में रख ये ले लो। चलो अभी आप जाके जल्दी से रेडी हो जाओ, राणा भैया ने आपका कॉलेज में एडमिशन करवाने कहा है। आपको आगे की पढ़ाई करनी थी ना। आप लोग मुझे जानते भी नहीं है और फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे। मेरी फैमिली ने ना तो मुझे समझा और ना ही समझाने का मौका दिया। लाडो, सास बिना सासरा अधूरा होता है लाडो, इसीलिए मैं आ गई ताकि थारी मदद कर सकूं। थारी शादी ऐसे अचानक हो गई जहां तो तैयार भी ना थी। नया घर है, नया परिवार है, सबको अच्छे से खिलाना। मारे को पूरा विश्वास है थारा प्यार इस खाने के स्वाद में घुलकर घर वालों के दिल में बस जाएगा। थानेदार सा के दिल में तो दृष्टि जीजी बसती है। आंखों नहीं बता सकती कि मुझे उन दोनों की गलत फहमी दूर करके चिच्ची को यहाँ लाना है। ये दर्जा, ये रस्में, सबका प्यार, इन पर चिच्ची का हक है। बुलबुल, बुलबुल। हाँ, ध्यान कहाँ है तेरा? मैं थारे से बात कर रही हूँ। मारा, अरे थारे सुंदर चेहरे और थारी चौकी बातों पर है मारा ध्यान। सब ठीक हो जाएगा मारी गुड़ की ढेली, तू देखना। सब तैयार है, अब मैं घर निकलती हूँ, थारे बाबा सा के आने से पहले पहुंचना है। चलो। हाँ, थैंक यू। आज तुम्हारी बात सुन लो। माँ, सब दृष्टि जीजी के खिलाफ है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, बहुत अकेली पड़ गई है वो। गुस्सा मत करो, एक बार, बस एक बार उनकी बात सुन लो ना। दृष्टि के एक स्वार्थी झूठ की वजह से तुझे इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा है बुलबुल, हारा सारा जीवन बदल गया, कैसे माफ कर तुमसे। ने बस थोड़ा टाइम दे दो जीजी, एक बार थानेदार सा और आप एक हो गए, तुम अभी अब से अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। मारा इससे कोई वास्ता ना होगा, ना ही इसे किसी से कोई नाता जोड़ने की जरूरत है, खासकर उसके घर आए मेहमानों से। जिस दिन इसने ये चौखट लांघे, इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे। चीची, थारे को पता है ना, जब माँ मुझसे भी गुस्सा करती थी तो कैसे मारे को गोले में बंद कर देती थी और बात तक ना करती थी। वो भी वो
सारे से थोड़ा गुस्सा है ना, सो देखना बहुत जल्दी उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो थारे से खुद बात करेंगी। तू रो मत। तो क्या करूं बुलबुल? फिर ने एक झटके में उनके साथ देखे हुए सारे सपने तोड़ दिए, सारे वादे झूठे हो गए, सारा प्यार खत्म हो गया, थारे से शादी कर ली। बस इतना ही प्यार था वीर का? नहीं चिंची, मैंने उनकी आंखों में थारे लिए प्यार और दर्द देखा है। मारे से शादी तो बस उनकी जिम्मेदारी है जो वो पूरी कर रहे हैं। और कल उन्होंने थारे को बोला भी ना, तूने सुना ना? नहीं बुलबुल, मैं थारी बात तब तक नहीं मानूंगी जब तक फीरा के खुद मुझसे नहीं कहते कि वो और उनका परिवार हारे को अपनाने के लिए तैयार है। देख, डर मत, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन सच बोलना। झूठ बोलने वाला अगर गुनहगार ना भी होना, उसे वीर प्रताप सिंह छोड़ता नहीं, तो सच बोल। दो दिन पहले आरएसजी कॉम्प्लेक्स में बैठकर नशे कर रहा था तू, राइट? दोस्त लोग बस बैठकर छोटी सी पार्टी कर रहे थे। आ किसी लड़की को देखा था, कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो, कुछ आसपास, कुछ भी? एक 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 लड़की थी वहाँ, फिर लेकिन हम लोग पार्टी में लगे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा उसे वो लोग जबरन कहीं लेके जा रहे थे। उस लड़की का चेहरा देखा था? याद है कैसी दिखती है वो? नहीं नहीं, नशे करते वक्त सब कुछ भूल गया क्या? जरा दिमाग पे जोर लगाना। एक एक और लड़की थी साहब, स्कूटी पे आई थी, वो तो बिल्डिंग के अंदर भी गई थी साहब। वो शादी वाले दिन दृष्टि के ऐसे अचानक चले जाने के पीछे राणा की कोई बड़ी प्लानिंग होगी। मुझे जल्दी राणा के खिलाफ तो सबूत निकालना होगा। अशोक जी सर, मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर उस बिल्डिंग की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर एक एंगल की। पता करना है कि उस बिल्डिंग के अंदर वो लड़की क्या करने आई थी और स्कूटी पर क्यों आई थी। मुझे तो कुछ और देखा हो, कुछ सुना हो, आसपास कुछ हो रहा हो, कुछ याद है? और याद नहीं है सर। मेरी बात सुन, एक तो प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर बैठकर नशे कर रहा था, शराब पी रहा था, उसके बाद वहां जब लड़की के साथ जबरदस्ती हुई तो उस लड़की की मदद करने की बजाय, पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय वहां चुपचाप बैठा रहा। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू जो कुछ भी जानता है मुझे अच्छी तरह साफ साफ बता दे। बोल। अरे आइए आइए आइए, वेलकम प्लीज, वेलकम वेलकम, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है? अरे बैठिए पापा, बताते, बैठिए। अटेंशन 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 एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है घर की बहू की पहली रसोई कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन नहीं, रसम है, और इसके अंत में फर्स्ट प्राइज नहीं चावल मिलेगा, सबकी पसंद की एक एक डिश तैयार, पापा के पसंद का दाल बाटी चूरमा विद बहुत सारा प्यार, और पापा के लिए बनी है उनकी फेवरेट गट्टे की सब्जी, वो भी जोरदार। हमारी प्यारी वर्णिका के लिए खस्ता दाल कचौरी, और विशेष चाचू के लिए बना है रबड़ी और मालपुए की जोड़ी। ऐसा है इस खाने का स्वाद कि खाते ही आ जाए माँ की याद। क्यों बुलबुल भाभी? खिलाओ
और पापा अगर खाना पसंद आए तो भाभी के हाथ में माँ वाले कंगन दे देना प्लीज। भाभी वो खुशबू प्रेजेंटेशन के तो 10 out of 10 लेकिन टेस्ट के तो खाकर ही मिलेंगे। अरे वर्णिका सब कुछ 10 में 100 है, तू खा के तो देख। और पापा माँ भी काचरे की सब्जी और लहसुन की चटनी ऐसे ही बनाती थी, थोड़ा टेस्ट करके तो देखिए। रसोई तो बिंदनी ने साची बड़ी अच्छी बनाई है। इतो खाने तो शादी ब्याह में भी ना बने, पर बिंदनी ये लहसुन की चटनी तुम्हारे से भी ना बने। फिर आपने कैसे बनाई जरा मने अच्छे से बताना। एक और लड़की थी साहब, स्कूटी पे आई थी और वो तो बिल्डिंग के अंदर भी गई थी साहब। शेर आया कहकर कब तक गरियाते रहोगे एसीबी साहब? जो असली शेर होता है ना वो पूरे जंगल को बता बता कर शिकार नहीं करता, क्यों पहलवान? ये यहाँ एक सेकेंड, ये तो तुम्हारी होने वाली साली मतलब प्रेजेंट घरवाली है ना यार? बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये अंदर जा रही है इसका मतलब इसने पक्का देखा होगा कि दृष्टि मुसीबत में है, फिर उसे बिना बचाए बाहर क्यों आ गई? डर गई होगी बेचारी। नहीं लेकिन किसी और को तो बता सकती थी, कम से कम तुम्हें तो बता सकती थी ना। तुम यहां बजाते रहे अपनी चतुराई का डंका, मां बहन ही बहन की लगा दी लंका। क्या बकवास कर? बकवास नहीं कर रहा। नहीं तुम्हें क्या लगा था हमारी दुश्मनी की वजह से ये कांड मैंने किया है? लेकिन यहां तो बहन भी बहन से जलती है क्या? बड़ी बहन को सब कुछ मिल गया तो छोटी बहन को इतना बुरा लगा कि वो अपनी बड़ी बहन को मुसीबत में फंसा कर भाग गई। और तो और सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को अपना दूल्हा बना लिया। ऐसे तो केस आते थे हमारे पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये तो घर की बात हो गई। एक बात तो है, ये मारी बिंद थारी बिंदनी जितनी भोली दिखती है ना उतनी चालाक है। अरे भाई जी आपको रेसिपी क्यों जाननी? आपको जब भी मानो हमें बता देना, भाभी बना देगी। क्यों भाभी? ना 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 ना, छोटी छोटी बात में बिंदनी ने थोड़े तकलीफ दूंगी। वैसे भी खुशबू से तो लागे है सुलक्षणा भाभी सा के हाथों जैसा पुस्तैनी स्वाद होगा, तो मने सीखनी है ना। बताओ बिंदनी कैसे बनाई, बताओ बताओ। भाई जी खाना खाने वक्त ना रोटी गिनते हैं और ना सवाल करते हैं। मैं गरीब क्या सवाल जवाब करूंगी व्योम सा, वो तो मैंने सवेरे सवेरे बिंदनी की मां सा को चुपके से किचन में जाते देखा। मन्ने लगा कोई खास मिर्च मसाला देकर गई होगी,
ऐसा तो नहीं कि बिंदुनी की पहली रसोई में बिंदुनी की मासा पूरा का पूरा खाना खुद ही बना के चली गई? क्या भाई जी, कुछ भी बोल रहे हो, नींद में हो क्या? भाभी की माँ यहाँ क्यों आएंगी, वो भी सुबह सुबह? कैसी बातें कर रहे हो आप भी? बुलबुल, भाई जी सच कह रही है। भाई जी सच कह रही है। मैंने खाना बनाना नहीं आता पापा साहब। ये सारा खाना हमारी माँ ने बनाया। वो बस चाहती थी हमारी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। लो, मैं तो ऐसे ही आपकी तारीफ कर रही थी। 100/10 हाँ भाई चाचू। पापा साहब, माफ कर दीजिए मारे को। झूठ बोलने की लत लग जावे तो ऐसे ही हुआ है। और बात बात पे झूठ बोलना तो आप थारे लिए बहुत छोटी सी बात हो गई होगी, नहीं? रसम, संस्कार, बड़ों का आदर, ये चीजें तो थारे लिए कोई मायने नहीं रखती होगी। बिल्कुल मायने नहीं रखती पापा। तभी तो आपकी सख्त मनाई के बावजूद इसने आपकी बात का मान नहीं रखा। और अपनी बहन से बात भी करके आई है। नहीं नहीं पापा साहब, मैंने आपकी बात नहीं काटी। आपने मारे को बोला था उनके चौकट पे नहीं जाना। मैंने गई थी उनके चौकट पे। मैंने अपने यहाँ से दृष्टि जी से बात की है। झूठ, बहाने, छल। और कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे मन ने थारे? आओ वीर, बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो क्या कर रही है तुम्हारी बीवी। झूठ पे झूठ बस, और कुछ भी नहीं। थानेदार साहब, हमारी बात सुनिए। मैंने किसी का भी दिल दुखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, हमारी माँ बस रसोई बनाने आई थी ताकि हमारी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। बहन भी बहन से जलती है। बड़ी बहन को सब कुछ मिल गया तो छोटी बहन को इतना बुरा लगा कि वो अपनी बड़ी बहन को मुसीबत में फंसा कर भाग गई। और तो और, सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को दूल्हा दूल्हा बना लिया। वीर भाई, I'm sorry. तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? थारे को पता है आज इस छोरी ने अपने माँ के बनाए हुए खाने को अपना बताया। पहले भी अपने बाप के चांदी के सिक्कों वाली बात छुपाई और पता नहीं कौन कौन से झूठ छुपाए होंगे इस छोरी ने। बहन भी बहन से जलती है क्या? सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को अपना दूल्हा बना लिया। थानेदार साहब, अब
जो कुछ भी पूछूंगा उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना, बिल्कुल सच। पर रुको, जिसने मेरी इतनी मदद की क्या वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी? मैं बिना सबूत के राणा जैसे घटिया आदमी की बातों में नहीं आ सकता। सोचा था पापा भाभी के हाथ में शगुन का कंगन देंगे, लेकिन वो तो बेचारी टूटा हुआ फ्लावर वास समेट रही थी। लाइफ में पहली बार फेल हुआ हूं। ये प्लान तो शुरू से ही फेल था। और वैसे भी अब लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है वर्णिका। हाँ, और खुश रहती हूँ। वैसे भी वीर चाचू ने कहा तो है बुलबुल सिर्फ उनकी ड्यूटी है, तो लेट इट बी। क्यों उनके बीच में आए? क्योंकि बुलबुल भाभी भी अब इस घर का हिस्सा हैं। और बुलबुल भाभी दिल की बहुत साफ है, इस घर के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये बात जितना जल्दी हमारे घर वाले समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे घर वाले तो आपस में कभी किसी को समझ नहीं पाए। वैसे भी लेट इट बी, आई एम बोर्ड ऑफ दिस पार्टी। इसको जाने दो, अपना प्लान ए फेल हुआ तो क्या हुआ? बी सी डी ई जेड भी तो बचा है, कुछ ना कुछ तो वर्क कर ही लेंगे। बुलबुल आज तेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज तुझे जिच्छी और थानेदार साहब को मिलाना है। चल लग जा काम पे। सुंदर सी थारी आंखें, मारे दिल का हाल पूछे। सुंदर सी थारी आंखें, मारे दिल का हाल पूछे। मने चोखी लागे। थारी बड़ी बड़ी मूछे। हाँ, और महल में चमके झूमर। थारे को देखकर मारा दिल डाले घूमर। पैनिक मत हो, निकल जाएगा। बुलबुल
मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। वो बुलबुल बिंदनी, आपकी सहेली दिव्या आई है आपसे मिलने। दिव्या, बाद में करते। मेरी फोटो बुलबुल के फोन में। ये जल्दी चलेगी गेल सप्पी की था। जयपुर वाली बस निकल गई ना तो बाद में रोते मत बैठना हमारे सामने कि कहीं ले नहीं जाते। चल कब आपसे अरे चल। वाह वाह वाह, बारा उधार लौटाने की औकात नहीं इसलिए पुष्कर से भाग रहा है देवेंद्र। तुम्हारा पैसा धन्य सूद समेत वापस मिल जाएगा। बीच बाजार में शोर करने की कोई जरूरत ना है। शोर? अरे शोर तो चोर मचाते हैं जो तू है। मंगल! आंखें नीची, जबान बंद, मतभूल थारी हवेली, अब तक हमारे पास गिरवी है। रजवाड़ी शान की डींगे हांकने वाला मारी है तू जुआरी। मंगल, तू तो मारा दोस्त था ना। फाड़ में कई ऐसी दोस्ती यारी, अगर जल्दी मारा पैसा नहीं लौटाया ना तो तन्ने तारी बीवी ने, तारे बेटे ने, तारी छोटी रजवाड़ी शान के साथ तारी हवेली से धक्के देकर निकालूंगा। देख के दिल हो जाए बाग बाग, और बाग में खिलते हैं फूल। तने देख के दिल हो जाए बाग बाग, बाग में खिलते हैं फूल, बाहर से लगते हो आग पर अंदर से हो गणे कुल कुल उल जो तू है। इतनी गंदी शायरी थी क्या बुलबुल? तू ये क्या कर रही है? एक तो थारा ब्याह इतना जल्दी हुआ, ऐसे हालात में हुआ कि मारे को थारे से बात करने का मौका तक नहीं मिला, और तुम्हारे को यहाँ बुलाकर ये बोल रही है कि तुझे ये सब दृष्टि जीजी को दिलवाना है। तो पुष्कर वापस आ जाएगी। बुलबुल मत कर ऐसे। दिव्या, मैंने थारे को मारा साथ देने के लिए बुलाया था, ज्ञान देने के लिए नहीं। चिट्ठियां मैं खुद लिख लूंगी। अरे प्रॉब्लम क्या है बुलबुल? प्रॉब्लम ये है कि थानेदार साहब की शादी होने वाली थी दृष्टि जीजी के साथ, लेकिन हो गई मारे साथ। और अब प्रॉब्लम ये है कि ना दृष्टि जीजी खुश है और ना थानेदार साहब खुश है। और प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों बात करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, पर वो प्रॉब्लम को ठीक ही ना करना चाहते। और प्रॉब्लम ये है कि मैं जानबूझ के उनके बीच में ना आ रही, पर प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही ना कर रहे। और उन्हें ऐसे देखकर मारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है। शांत हो जा, एक ठंडे दिमाग से सोच। तू तो हमेशा से शादी करना चाहती थी ना बुलबुल, और अब तो इतना अच्छा सासरा मिला, थानेदार सा मिले तुझे, तो तू ये सब क्यों तोड़ना चाहती है? शादी का पवित्र बंधन ना कभी टूट ना सकता दिव्या, लेकिन मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि थानेदार सा को ऐसे दुखी देखकर भी जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधे रखूं। मैं थानेदार सा की ड्यूटी हूँ और दृष्टि जीजी उनका प्यार। तू खुद सोचना, वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो कितने खुश रहेंगे, है ना? ये सब तो कैसे करेगी, ये सब सड़ी हुई शायरियां लिख के?
अरे इसीलिए तो थारे को बुलाया है। एक चिट्ठी मैं पहुंचाऊंगी जीजी तक, एक चिट्ठी तू पहुंचाना थानेदार साहब तक। किसी को शक ना होगा। जब दोनों शाम को मिलेंगे ना, बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। ये सब क्यों कर रही है तू बुलबुल? तू पहले भी देख चुकी है ना, हमारे गांव वाले, ये समाज, ये सब कितने बुरे हैं। पर मायके लौटी लड़की के लिए ये सब कितनी घटिया बातें करते हैं वो लोग। दूसरी शादी छोड़, उनके तानों से, उनकी सवाली नजरों से हमारा घर से निकलना तक भी नामुमकिन हो जाएगा बुलबुल। जीवन खत्म हो जाएगा बुलबुल, जब तू कैसे करेगी? तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक खाटू श्याम जी, देख लेना, अब बस और ना पड़े दुख सहना। मैं जानू मेरे इस काम से सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन मारे पास थानेदार साहब और जीजी के बीच गलतफहमी दूर करने का यही मौका है। रस्सी राजा साहब, शोर की मारो चलान और पहुँचा दो इस चिट्ठी को जीजी तक। राणा साहब की गाड़ी भी नहीं दिख रही है, बस जल्दी से ये चिट्ठी जीजी तक पहुँच जाए, उनके आने से पहले बस काम कर दो मारा। पर दिमाग से अबलू। दृष्टि, मुझे बस एक बार नीचे दिए गए पते पर मिलो, आज सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जय हिंद, तुम्हारा वीर। ओ, तो वीर ने दृष्टि को इस पते पर बुलाया है सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए। लगता है भगवान ने सुन लिया। अशोक, ये फुटेज में आदमी देख रहे हो ना? जी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर। जाओ। शादी वाले दिन दृष्टि के साथ क्या हुआ मैं पता करके रहूंगा। ये चिट्ठी को अभी आपके लिए देखे गया है। दृष्टि मुझसे मिलना चाहती है कैफे में।
फाइनली वो रेडी हो गई मुझसे मिलने के लिए। अब मैं उसे राणा की सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर मुझसे मिलना चाहते हैं कैफे ड्रिंक में आज शाम को। दृष्टि, हो सकता है कि अपने परिवार की ईगो की वजह से यहां तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा बेचारा, इसलिए बाहर मिलने बुलाया। तुम दोनों परेशान हो, मिल लो, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। तुम्हारी खुशी के सामने उसके साथ की दुश्मनी भी भुला सकता हूं। देखो दृष्टि, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे लिए मिल लो उससे, हो सकता है सारी बातें साफ हो जाए। अब आएगा इस खेल में और मजा। खाटू श्याम जी, आपकी कृपा से चिट्ठी दोनों तक पहुंच गई। अब देखना, आप दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप दोनों एक हो जाओगे। थैंक यू खाटू श्याम जी, अब सब ठीक हो जाएगा।